Okay, so hello students. Today we will do the 10th lesson of your 10th standard, that is the sermon at Banaras. Sermon का मतलब होता है प्रवचन, ठीक है, जो साधु संत लोग हमें देते हैं, प्रवचन देते हैं. बनारस इसलिए क्योंकि गंगा नदी के किनारे काफी सारा प्रवचन लोग देते हैं. बनारस में जो गंगा नदी है वहीं पे पेड़ की छांव में बैठ कर काफी लोग हमें प्रवचन देते हैं. तो उसी के बारे में ये चैप्टर है. यहाँ पे गौतम बुद्ध, थोड़ी पुरानी कहानी है, गौतम बुद्ध कीसा गौतमी नाम की एक लड़की को एक प्रवचन सुनाते हैं. प्रवचन क्या सुनाते हैं, उसको एक एक्सपीरियंस करवाते हैं. उस एक्सपीरियंस के थ्रू एक जिंदगी की एक बहुत अच्छी सच्चाई उसको समझाते हैं, ठीक है, जो कि सही में सच है, कोई इससे भाग नहीं सकता, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ठीक है, कैसा भी हो, ये चीज, ये सच्चाई से कोई भाग नहीं सकता है. तो वही इस चैप्टर में बताया है और वही हमें भी समझना है. जानती हूँ छोटे हो इस सच्चाई को समझने के लिए, लेकिन अब चैप्टर है तो हमें ये समझना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं कर सकते. सो ओपन द लेसन एंड विल स्टार्ट रीडिंग. छोटा सा चैप्टर है ये हमारा, गुड लक है. चलो, गौतम बुद्ध, यहाँ पे ब्रैकेट में आपको उनका जन्म काल दिया हुआ है, ठीक है, 563 BC से लेकर 483 BC तक उनका लाइफ स्पेन था. बिगिन लाइफ एज ए प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतमा, उन्होंने अपनी जिंदगी एक प्रिंस की तरह शुरू की थी और जब वो प्रिंस थे उनका नाम था सिद्धार्थ गौतमा. इन नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में यानी नॉर्थ साइड पे, इंडिया के नॉर्थ साइड पर उनका जन्म हुआ था. एट 12 ही वाज सेंट फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 इयर्स लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी प्रिंसेस. उस समय के जमाने में ये सब हुआ करता था, ठीक है, बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए, इसको वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं, तो वो पढ़ने के लिए आश्रम में जाते थे, आश्रम में पढ़ते थे, लिखते थे, घर से आइसोलेटेड होकर रहते थे, और जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाए, पढ़ाई पूरी हो जाए, तो वो वापस अपने गृहस्थ जीवन में आते थे, ठीक है. तो यही सिचुएशन गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतमा के लिए थी. वो भी 12 साल की उम्र में घर छोड़कर आश्रम में रहने लगे, शिक्षा पाने लगे, 4 साल के बाद वापस आए और एक प्रिंसेस से शादी कर ली. दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 इयर्स एज बिफिटेड रॉयल्टी. उनका एक बेटा भी हुआ और 10 साल तक वो एकदम रॉयल्टी उन्होंने इंजॉय करी, एकदम राजा महाराजाओं की तरह रहे, ठीक है, उन्होंने कोई भी डिफिकल्टी फेस नहीं की. At about the age of 25, the prince therefore shielded from the suffering of the world. अब जब वो 25 के हुए, तब तक therefore यानी तब तक उन्होंने कभी भी suffering नहीं देखी है. Suffering क्या होता है उन्हें पता ही नहीं है. क्यों? क्योंकि राजा की तरह पैदा हुए हैं, पढ़ाई लिखने के लिए चले गए आश्रम में, वापस आए, शादी हो गई, बेटा है, ठीक है, तो उन्होंने कभी सफरिंग नहीं देखी है. सफरिंग क्या होता है, सहन करना क्या होता है, दुख क्या होता है, वो उन्हें पता ही नहीं था. बट वाइल आउट हंटिंग, एक दिन वो हंटिंग के लिए, हंटिंग यानी शिकार के लिए गए हुए थे, चांस अपॉन अ सिक मैन, वहां पे उनको मिला, चांस अपॉन यानी अचानक से टकरा जाना, तो अचानक से वो किससे टकराए, किससे मिले, एक सिक आदमी से यानी एक बीमार व्यक्ति से वो मिले. Then an aged man, फिर एक बूढ़े व्यक्ति से मिले, काफी उम्र लायक थे, काफी एज थी. तो आपको पता है कि इन सब लोगों में सफरिंग दिखाई देती है. बीमार व्यक्ति होता है, खुद अपने हाथ से पानी भी नहीं पी सकता, ठीक है, तो ये उसकी सफरिंग है, ये उसका दुख है जीवन में, क्लियर. बूढ़ा आदमी है, चल फिर नहीं सकता अपनी मर्जी से, कहीं जाना है तो जा नहीं सकता, ठीक है, तो ये उसके लिए सफरिंग है. तो ये सब अचानक से गौतम बुद्ध की नजर पड़ी कि ये सब क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसा सहन, कौन से पाप किए इन्होंने जो इनको इतना सहन करना पड़ रहा है. हम सब कहते हैं, आपको सबको पता है कि तू अच्छा काम कर तो स्वर्ग मिलेगा, वरना बुरा काम करेगा तो तुझे दंड मिलेगा. तो सब एजेड लोगों ने सब बुरे काम किए होंगे, क्यों उनको सफरिंग मिलता है, क्यों उनको सहन करना पड़ता है, बीमार क्यों पड़ते हो,
साइंस के बच्चे हो आप, मुझे कोई ना कोई एक्सक्यूज दे दो कि मैम ऐसा खाते हैं तो बीमार पड़ते, ऐसा करते तो ऐसा होता है। हाँ वो बात सही है, लेकिन जो माइथोलॉजिकल अगर हम बात करें कि नहीं आप रोज पूजा पाठ करते हो, झूठ नहीं बोलते हो, मम्मी पापा की बात मानते हो, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तो फिर सफरिंग क्यों आता है? ठीक है, तो ये जो बड़ा क्वेश्चन था वो गौतम बुद्ध के दिमाग में भी अराइज हुआ। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, फिर उन्होंने एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखा। फ्यूनरल प्रोसेशन क्या होता है? जब कोई मर जाता है तो उसकी अर्थी लेकर जो हम निकलते हैं रास्ते पे, तो उसे फ्यूनरल प्रोसेशन कहते हैं। ठीक है, जो अर्थी लेकर जलाने के लिए जो हम जाते हैं स्मशान तक, तो वो जो प्रोसेशन होता है उसे फ्यूनरल प्रोसेशन कहते हैं। एंड फाइनली अ मॉन्क, मॉन्क यानी भिखारी साधु, ठीक है, जो भिक्षा मांग के अपना पेट भरते, तो उन्होंने मॉन्क को भी देखा बेगिंग फॉर इट्स आर्म्स, आर्म्स यानी भिक्षा, वो भीख मांग रहा था। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि इसने क्या काम पाप किया होगा, गरीबी में पैदा हुआ है, हमेशा भीख मांग मांग के जिया, इसने क्या पाप किया होगा जो इसको इतना सफरिंग है। तो इस ये सारी चीजें देखकर वो अचानक से मूव्ड हो, ठीक है, कि अचानक से ऐसा हो गया उनको कि अरे ये सब क्या है। क्लियर, तो आगे देखें, दिस साइट सो मूव्ड हिम, इस वजह से वो काफी मूव्ड हो गए। मैंने अभी बोला ना कि बहुत चौकन्ने हो गई कि ये सब क्यों हो रहा है, दुनिया में इतना पाप क्यों है, इतनी सफरिंग क्यों है, इतना दुख क्यों है दुनिया में। That he at once went out into the world to seek enlightenment. Enlightenment yani gnyan. Seek yani prapt karna. To at once yani at upar likha hai, once niche likha hai. At once actually phrasal verb hai. At once yani turant, immediately. At once ka matlab hota hai turant. At once, अगर अभी मैं बोलूं कि at once keep quiet, यानी तुरंत चुप हो जाओ, ठीक है? तो at once का मतलब होता है तुरंत, immediately। चल, तो तुरंत ही उसी वक्त he went up into the world, वो दुनिया में कहीं खो गए। और क्या चाहते थे वो? To seek enlightenment, वो ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते थे। वो भगवान से पूछना चाहते थे कि भगवान ये सब क्यों है, मुझे ज्ञान दो कि क्या कोई रास्ता है कि हम इन सब से बच सके, क्या कोई वे है कि हम इन सब को अवॉइड कर सके, तो आप मुझे इस ज्ञान की प्राप्ति कराओ। तो इस ज्ञान की प्राप्ति में वो दुनिया में कहीं खो गए। ठीक है, अब समझ में आ रहा है, काफी माइथोलॉजिकल स्टोरी है, ठीक है, भगवान से रिलेटेड और इस तरह की। कंसर्निंग द सोरो ही हैड विटनेस, उनको कंसर्निंग था, चिंता थी उस सोरो की, उस दुख की जो उन्होंने विटनेस किया था यानी देखा था। उस दुख को देखकर वो काफी शॉक हो गए थे, काफी मूव्ड हो गए थे कि यार ये क्यों हो रहा है, मुझे कोई ज्ञान दो। कोई कहता है कि पुण्य करो और ये सब सफरिंग तुम्हें नहीं मिलेंगे, और मैंने तो कोई पाप किया नहीं, फिर भी ये लोग सबको सफरिंग करना पड़ रहा है, तो ये हो क्या रहा है, तो मुझे ये ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको चिंता हो रही थी कि ये जो दुख है उन्होंने देखा, तो वो सोचने लगे कि मुझे भी ये दुख मिलेगा। कहीं ना कहीं ऐसा होता है, राइट? कब देखते हैं एजेड लोगों को भी, तो हम सोचते हैं हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम भी ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चिंता उनको खाए जा रही थी, इसलिए वो ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़े। ही वंडर्ड फॉर 7 years, 7 साल तक भटकते रहे। वंडर करना यानी भटकना, 7 सालों तक वो भटकते रहे। फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और फाइनली एक दिन वो पीपल ट्री के नीचे बैठे। When he vowed यानी प्रतिज्ञा करना, कसम लेना, कसम खाना, vow करना यानी कसम खाना, जहां पे उन्होंने कसम खाई टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट कम, बैठ गए पीपल ट्री के नीचे, कसम खा ली कि नहीं उठूंगा जब तक मुझे ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी। क्लियर, भूखे प्यासे बैठे रहे। गौतम बुद्ध की अगर कहानी सुनी हो तो आपने ये देखा होगा, पीपल ट्री के नीचे आंखें बंद कर ध्यान प्राप्ति के लिए वो बैठ गए। एनलाइटेड आफ्टर 7 days, 7 दिनों तक न खाया न पिया न हिले, बैठे रहे, मुझे ज्ञान चाहिए। ठीक है, और एनलाइटन, फिर उनको 7 दिन बाद ज्ञान प्राप्त हुआ, एनलाइटन हो गए। ठीक है, ही रीनेम द ट्री बोधि ट्री, उन्होंने ट्री को भी रीनेम कर दिया, बोधि ट्री कर दिया।
क्योंकि वहां से वहां बैठकर उन्हें बोध मिला था, शिक्षा मिली थी। बोध का मतलब हिंदी में पता है ना, हिंदी संस्कृत में आता होगा ये वर्ड, ठीक है। तो उस पेड़ के नीचे बैठकर उनको बोध मिला था, ज्ञान मिला था, इसलिए उन्होंने ट्री का नाम बदल दिया और कर दिया बोधि ट्री, द ट्री ऑफ विजडम, ब्रैकेट में लिखा भी है, ठीक है, उसका मतलब। एंड बिगेन टू रीच एंड टू स्टेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, फिर वो टीच करने लगे, लोगों को समझाने लगे, जो ज्ञान प्राप्ति उन्हें हुई थी वो लोगों को देने लगे, ठीक है। एंड शेयर हिज अंडरस्टैंडिंग, जो चीजें वो समझते थे वो लोगों के साथ वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को शेयर करने लगे। एक बात आपको बताऊं, हमारा जो इंडिया है ना, अगर हम पुराने इंडिया की बात करें ना, तो हमारा इंडिया सबसे ज्यादा एजुकेटेड है, सबसे ज्यादा एजुकेटेड। क्यों? क्योंकि उस समय जब हमने ये भी नहीं जाना था, उस समय लोग ऐसा मानते थे कि धरती सेंटर पॉइंट है और बाकी सारे प्लैनेट्स उसके और इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल फॉल्स इंटरप्रिटेशन था। फिर भी हमारे पास उस वक्त नॉलेज था, इतना सारा नॉलेज था कि हम कब बारिश होगी, कौन से महीने में होगी, कौन से दिन वो एक्लिप्स होगा, कौन से दिन अच्छा काल चल रहा है, ये बच्चे अगर ये काल में पैदा हुआ इसकी राशि क्या है, भविष्य क्या है। एस्ट्रोलॉजी बेस्ट थी हमारे पास, सबसे बेस्ट, यस और नो, बिलीव इट और नो। उस समय जब शायद लोग ऐसा सोचते थे, उस समय हमारे पूर्वजों के पास इतना नॉलेज था कि देख के ही कह देते थे कि ये बच्चा पैदा हुआ, ये बच्चा कैसा होगा आगे जाकर, ये बच्चे की राशि कौन सी होगी, कौन से दिन अकाल आएगा, कितने साल अकाल रहेगा, ठीक है, कौन से दिन बारिश होगी, कौन से दिन एक्लिप्स होगी, कौन से दिन अग्यारस आएगी, कौन से दिन महापूजन करना है, कौन से दिन मुहूर्त अच्छा है, कौन से समय पे। ये हमारे पास नॉलेज उस टाइम पे था। कहां से आई ये नॉलेज? अगर हम ऐसा गलत सोचते तो क्या ये सब सही पड़ता? नहीं पड़ता। यानी हमारे पास जो नॉलेज था उस टाइम पे वो सही था, पर प्रॉब्लम क्या हुई, इस नॉलेज को कहीं लिखा नहीं गया। और लिखा नहीं गया, उस समय पे नॉलेज कैसे बांटा जाता था? जो शिष्य होता था, जो गुरु होता था वो अपने शिष्यों को सिखाता था, शिष्य फिर गुरु बन जाता था, वो उनके शिष्यों को सिखाता था, ठीक है। तो इस तरह से नॉलेज पास होता था। पर धीरे 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 जितना मैं जानती हूँ, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, तुम थोड़ा कम जानोगे, फिर तुम उनको भी किसी और को सिखाओगे, वो थोड़ा और कम दोगे तुम उन्हें। तो ऐसे करते करते हमारा ये जो नॉलेज था वो कहीं ना कहीं लुप्त होके रह गया, ठीक है। तो इसीलिए आज हम इतने बैकवर्ड हो गए। बाकी एक्चुअली में हमारे पास बहुत नॉलेज था। उस वक्त नालंदा विद्यापीठ, फॉरेन से लोग पढ़ने आते थे एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी, नासा वासा नहीं था, नालंदा था, ठीक है। तो अगर हम नासा से आज हम फिजिकली जाकर देखते हैं कि अच्छा ऐसा यूनिवर्स है, वो हम बिना चाहे उस मतलब फैसिलिटी तो थी नहीं यूनिवर्स में जाने की, फिर भी हमें उस समय पता था। तो वही चीज हमारे पास नॉलेज थी और वही ज्ञान प्राप्ति बुद्ध भगवान को उस बोधि ट्री के नीचे बैठकर हुई, ठीक है। तो फिर वो जैसे कि मैंने बताया कि फिर वो गुरु बन गए और जैसे उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, उन्हें जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी, वो लोगों को बांटने लगे, क्लियर। क्योंकि उस समय रिटर्न कुछ था नहीं के लिख के चले जाए, डन। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज बुद्धा, उसी समय से वो बुद्धा के नाम से जाने जाने लगे। बुद्धा यानी बोध, बोध से रिलेटेड, यानी जो बोध देता है, जो शिक्षा देता है, जो ज्ञान देता है, ठीक है। तो उसे बुद्धा कह के बुलाने लगे। द बुद्धा प्रर्च्ड, यानी प्रवचन देना, भाषण देना, अगेन सरमन की तरह। हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, उन्होंने अपना पहला प्रवचन, पहला भाषण बनारस सिटी में दिया था। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा, सबसे पवित्र शहर माना जाता है बनारस। क्यों? क्योंकि वो गंगा के पैर छूटे ही बना है, यानी बिल्कुल गंगा नदी बनारस के पास है, बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि
बनारस गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे इसीलिए उसको पवित्र माना जाता था। दिस दैट सर्मन हैज बीन प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड यानी संभालना। ये सर्मन को, ये भाषण को, ये प्रवचन को संभाला गया है, बचाया गया है, एंड इज गिवन हियर, और फिर आपको चैप्टर के रूप में नीचे यहाँ दिया है। इट रिफ्लेक्ट द बुद्धास विजडम, ये जो प्रवचन है वो दिखाता है कि बुद्धा में कितना विजडम था। विजडम यानी दिमाग, मतलब सोचने की शक्ति कितनी थी उनके। एंड अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, इनस्क्रूटेबल यानी नॉट इजी, बहुत हार्ड, ठीक है, हार्ड लिख सकते हो वहां पे, बहुत डिफिकल्ट लिख सकते हो। तो वहां पे एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइप की सफरिंग के बारे में भी बताया है आपको कि बहुत ही दुख होता है जब कोई हमारी जिंदगी से चला जाता है, तो उसे संभालना एक माँ के लिए जब बेटा चला जाता है बहुत मुश्किल होता है, राइट। एक फैमिली के लिए जब फादर लॉस्ट हो जाता है तो उस फैमिली को चलाना मदर के लिए या बच्चों के लिए काफी मुश्किल होता है। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कभी कभी मदर को लॉस्ट कर देते हैं, तो फिर फैमिली में रहना कितना मुश्किल हो जाता है। इतनी सबसे ज्यादा शायद टफेस्ट सफरिंग दुनिया में यही है। आप हॉस्पिटल में भी चले जाओ, दो चार पैर टूट गए, हड्डियां वड्डियां टूट गई, तो ठीक है, चलो एक आशा है, होप है कि ठीक हो जाएगा, जुड़ जाओगे, कभी ना कभी चलने लगोगे, पैर कट गए कोई बात नहीं, बाकी का शरीर तो बचा है, कुछ ना कुछ कर लेंगे, एक होप रहती है, एक आशा रहती है। लेकिन व्हेन अ पर्सन इज डेड, उसकी जगह भरना क्वाइट इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो यही सफरिंग यहाँ पे बताई है, और इसे इनस्क्रूटेबल सफरिंग कहा है, यानी बहुत ही डिफिकल्ट सफरिंग कहा है। बहुत ही सफरिंग यानी ही डिफिकल्ट होता है, दुखी एक तरह का डिफिकल्टी होता है, लेकिन यहाँ पे इनस्क्रूटेबल सफरिंग यानी बहुत ही ज्यादा दुख भरी बात यहाँ पे बताई है। तो यहां से प्रवचन शुरू होता है। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन, किसा गौतमी नाम की एक लड़की थी, उसका एक ही बेटा, एंड ही डाइड, और वो बेटा मर गया। इन हर ग्रीफ, ग्रीफ यानी दुख, दुख में शी क्राइड द डेड चाइल्ड, सॉरी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन। इतना दुख हो गया था बच्ची, वो किसा गौतमी को, कि हाय मेरा बेटा मर गया, छोटा सा बेटा, इसको जिंदा करो। पहले तो वो समझ ही नहीं पाई कि मेरा बेटा मर सकता है, इतना छोटा सा बेटा मर कैसे सकता है, इसको कुछ हो कैसे सकता है। उस समय तो मेडिसिन वगैरह थी नहीं, हम गौतम बुद्ध के जमाने की बात कर रहे। तो वो अपने बच्चे को उठाकर कैरी कर कर घर घर जा रही है, बोल रही कि इसको दवाई दो, इसको कुछ हो गया, इसको कुछ दवाई दो, इसको ठीक करो, ठीक है। तो वो घर घर जाकर ऐसा पूछ रही है सबसे, asking them for the medicine, वो सबसे दवाई के लिए पूछ रही है। and people said she has lost her senses, the boy is dead। जो जो लोग उसको जानते थे दुख भरे ऐसे कहते थे कि अरे यार बेचारी बेटे के सदमे में पागल हो गई, क्यों, क्योंकि उसका बेटा मर गया, अभी इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कौन कौन दवाई देगा, बच्चे को ऐसे ले लेके घूम रही है बेचारी, सदमे में पागल हो गई, बच्चे के चले जाने के सदमे में, ठीक है। तो लोग उसको पागल कहने लगे, उसको बोलने लगे कि उसका बेटा मर गया है। एट लेंथ यानी आखिर में, लास्टली, एट लेंथ यानी लास्टली, आखिर में, किसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन, ये द है, ओल्ड इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश में THEE होता था, ठीक है, तो ये द है, आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन बट फॉर योर चाइल्ड, ये योर है, THY यानी योर होता है, तो आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर योर चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, मैं तो तुम्हारे बच्चे के लिए दवाई नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक फिजिशियन को, एक डॉक्टर को, एक आदमी को जानता हूं जो तुम्हारे लिए दवाई ला सकता है, शायद तुम्हारे बेटे को जिंदा कर सकता है। अब आप एक माँ की हालत सोचो, बच्चा डेड है, हाथों में है,
कोई बोले कि उसके पास जाओ वो शायद जिंदा कर देगा, तो क्या माना ही जाएगी? एंड द गर्ल सेड प्रे यानी प्लीज, यहाँ पे प्रे लिखा है तो प्रे नहीं है, प्लीज है वो, PRAY प्रे यानी प्लीज। प्लीज टेल मी सर हु इज इट, वो कहती है कि सर गौतम के जल्दी बताओ कौन है वो। एंड द मैन रिप्लाई गो टू सुक्या मुनि द बुद्धा, वो आदमी कहता है कि सुक्या मुनि के पास जाओ जो बुद्धा के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो वहां पे उसको वो बुद्धा के पास भेज देता है। किसा गौतमी रिपेड टू बुद्धा, रिपेड यानी मिलना, किसा गौतमी बुद्धा से मिली। एंड क्राइड और रोने लगी, कहने लगी लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माय बॉय, कहने लगी कि मुझे कोई दवाई दो जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए जल्दी प्लीज। बुद्धा आंसर्ड आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, बुद्धा ने कहा ठीक है दवाई ववाई बना दूंगा लेकिन पहले मेरे लिए मस्टर्ड सीड राई के दाने लेके आओ, इसको ठीक कर दूंगा। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, प्रोक्योर यानी फुलफिल करना, ये जो वादा किया है जो उन्होंने मांगा है कि राई के दाने लेके आओ उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, प्रोक्योर करना यानी जो भी डिमांड है उसको फुलफिल करना कि हाँ मैं कर दूंगी, तो उसने प्रॉमिस किया कि मैं आपकी डिमांड को फुलफिल करूंगी। द बुद्धा एडेड द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट चाइल्ड हस्बैंड पेरेंट और फ्रेंड, अब बुद्धा ने ऐड किया कि हाँ हाँ ठीक है तुम फुलफिल तो कर देगी लेकिन याद रखना कि मस्टर्ड सीड तू जहां से ला रही है वो मस्टर्ड सीड उस घर में से लाना जहां पे कोई किसी की डेथ ना हुई हो, ना पेरेंट्स की ना भाई की ना बहन की ना कोई रिलेटिव की ना कोई फ्रेंड की, तो ऐसे घर में से तू लेकर आ मस्टर्ड सीड, आपको लगता है ऐसा कोई घर होगा? पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, किसा गौतमी घर से घर चली जा रही थी। एंड पीपल पिटीड हर एंड सेड हियर इज द मस्टर्ड सीड टेक इट, लोगों को भी उस पे दया आ जाती थी, कहते थे हाँ हाँ ये लो एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड तो चाहिए ले जाओ, ठीक है? बट व्हेन शी आस्क्ड डिड अ सन और डॉटर अ फादर और मदर डाइड इन योर फैमिली, लेकिन फिर वो पूछती थी कि आपके घर में कोई मरा तो नहीं इनमें से, तो आंसर मिलता था दे आंसर्ड अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी, बोले जिंदा लोग तो कम है मरने वाले की गिनती ज्यादा है, दादा दादी परदादा चाचा चाची लिस्ट बनाओ अपने घर में, जिंदा कम होंगे मरने वाले शायद ज्यादा होंगे, फ्रेंड रिलेटिव कजिन्स बनाओ लिस्ट, ठीक है? तो यही चीज उसने कहा कि भाई जिंदा लोग अगर गिनूंगा तो कम है मरने वाले की तादाद ज्यादा है। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, एक भी हाउस ऐसा नहीं था जिसमें किसी की मौत ना हुई हो, ठीक है? किसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, किसा गौतमी वेरी हो गई टेंशन में आ गई होपलेस एंड उसने आशा ही छोड़ दी कि मुझे कोई घर मिलेगा जहां पे उठा उसको सीधा बैठ मुझे गौतम बुद्ध समझ के रखा है प्रवचन सुनाने में, ओके किसा गौतमी जो थी वो काफी होपलेस हो गई, मतलब उसको अब कोई आशा दिखाई नहीं दे रही थी कि उसको कोई सीड मिलेगी मस्टर्ड सीड। एंड सेट डाउन एट द वे साइड यानी वो फुटपाथ जो होता है वहां पे रास्ते के बाजू में, वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी एज दे फ्लिकर्ड अप, फ्लिकर्ड यानी ऐसे फ्लिकर होता है ना ट्यूबलाइट कभी कभी फ्लिकर होती है, ठीक है? तो फ्लिकरिंग अप एंड वेयर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, अब वो किसा गौतमी रोड के बाजू में बैठ गई है सिटी की लाइट्स को देख रही है जो ऐसे फ्लिकर कर रही है और अचानक से लाइट चली जाती है, एक्सटिंग्विश होना यानी चली जाना बुझ जाना, ठीक है? तो अचानक से वो लाइट चली जाती है और वो ये सब चीजें यहाँ पे बैठे बैठे देख रही है। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेज्ड एवरीवेयर, अचानक से सब जगह डार्कनेस हो गई, रेज्ड यानी भर जाना, तो सब जगह पर डार्कनेस भर गई।
एंड शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड एक्सटिंग्विश्ड अगेन। और तब उसे समझ में आता है कि हमारी जिंदगी भी तो ऐसी है, एक लाइट की तरह। हम अच्छे से नया गोला लाते हैं, मस्त ब्राइट लाइट देता है, फिर जब बुझने आता है, खत्म होने आता है, तो फ्लिकर करना शुरू करते हैं, बीमारियां आती है, बूढ़े हो जाते हैं, एंड देन एट लास्ट एक्सटिंग्विश्ड, फिर लास्ट में एक्सटिंग्विश्ड हो जाता है, बुझ जाता है। तो अब उसको ये बात समझ में आई कि ये हर एक के साथ होता है। आप बताओ, कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब कोई है इसमें से जो बच सकता? नो वन कैन एस्केप डेथ। ठीक है, चलो। तो वही वो कहती है कि ये तो इंसान का फेट है, इंसान की किस्मत है, फेट ऑफ अ मैन, यानी हम इंसानों की यही किस्मत है। दैट लाइफ फ्लिकर अप, हमारी जिंदगी भी फ्लिकर करती है, एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और फिर से वो एक्सटिंग्विश्ड हो जाती है, बंद हो जाती है हमारी लाइफ। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, हाउ सेल्फिश एम आई इन ग्रिफ। और फिर वो अपने आप को कहती है, मैं कितनी सेल्फिश थी, मेरे बेटे के लिए दवाइयां मांगती फिर रही थी, लेकिन ये तो सभी के साथ होना है, मेरे साथ भी होना है। तो मैं अपने बच्चे के लिए अमृत पद मांग रही हूं, तो मैं सेल्फिश हूं, क्यों मांगू मैं? ये जिंदगी है, ये साइकिल है, और ये होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बूढ़े लोग मरेंगे तभी नए आएंगे, और ये साइकिल चलता रहेगा। मान लो अगर जो पैदा हुए वो कभी मरे ही नहीं, और नए पैदा होते रहे, क्या होगा अर्थ का? अनर्थ हो जाएगा अर्थ का, है ना? तो ये नहीं होना चाहिए। लाइफ साइकिल है, भगवान ने बनाई है, सोच समझ के बनाई है कि भाई जो बूढ़े लोग हैं उन्होंने अपनी एक्टिविटी कर ली है, वैसे भी बूढ़े हैं, अब किसी काम के हैं नहीं है, वो लोग 10 उनके इर्द गिर्द लगे हैं, उनकी सेवा चाकरी में लगे हैं, अपना काम छोड़कर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़कर, तो बेटर है कि उनको एक्सटिंग्विश कर दे ताकि आगे साइकिल चलती रहे, वरना खाने की शॉर्टेज हो जाएगी, हवा पानी की शॉर्टेज हो जाएगी, लॉजिकली सोचे तो, है ना? तो अगर ऐसा रहा, जंगल की बात करें, अगर शेर की ताकत बढ़ती रही, ये तो तुम्हारे साइंस में भी आता है, साइकिल इकोसिस्टम, क्या बोलते हो, ऐसा ही कुछ है ना नाम। तो साइकिल जो है वो चलनी चाहिए, तो यही हमारी लाइफ की साइकिल है, इसको भी चलना चाहिए, जो पैदा हुआ है उसको मरना चाहिए, ताकि तभी जाके ये साइकिल बैलेंस बना रहेगा। क्लियर? तो उसने कहा कि मैं तो काफी सेल्फिश थी, सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए मैं पूरे ब्रह्मांड का, पूरे अर्थ का नहीं सोच रही थी। क्यों? क्योंकि ये साइकिल कंटिन्यू होना जरूरी है, मैं तो ये साइकिल को ब्रेक करना चाहती थी सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए, यानी मैं तो काफी सेल्फिश हुई। ठीक है, तो किसा गौतमी को अब ये रियलाइज होता है, डेथ इज कॉमन टू ऑल, उसको समझ में आ गया कि सबके लिए डेथ कॉमन है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम इमॉर्टैलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। ये चीज है, लेकिन फिर भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है कि ये अमर है, तो देयर इज अ पाथ फॉर द इमॉर्टैलिटी, मॉर्टल यानी मर जाना, पर इमोर्टैलिटी यानी अमृतत्व, अमृतत्व की तरफ जाने का रास्ता है, पर क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सारी सेल्फिशनेस को त्याग कर देना पड़ेगा। ठीक है, हमने हमारे ग्रंथों में पढ़ा है कि लोग अमर हो गए, वो अश्वत्थामा की बात करते हैं, अमर है, आज भी दिखाई देते हैं, लोग क्लेम करते हैं कि हमने अश्वत्थामा को देखा, कई ऐसी स्टोरीज है, आई एम नॉट श्योर, मैं देखती हूँ सुनती हूँ पर इतना ध्यान नहीं देती हूँ, तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाती हूँ, पर अश्वत्थामा अमर है और आज भी लोगों को दिखाई देते हैं, कहाँ क्या कैसे वो नहीं पता है, वो डिटेल आप गूगल पे देख लें। ठीक है, तो ये अमृतत्व का रास्ता है, और वो कहाँ से गुजरता है? यू हैव टू सरेंडर करना, यानी त्याग करना। हम ये चैप्टर खत्म करेंगे, हम इस सेल्फिशनेस को त्याग करेंगे तभी हमें अमृतत्व मिलेगा। द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड। बुद्धा कहते हैं कि ये जो मॉर्टल यानी जो मरते हैं, ठीक है, जो नश्वर है, एनिमल बर्ड्स, दे ऑल आर मॉर्टल्स, ओके, इमॉर्टल कोई नहीं है। हाँ, हॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं
वो अलग बात है, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन और वो सब की बातें नहीं कर रही मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर मॉर्टल थिंग्स. ठीक है, तो जो लोग मॉर्टल है वो इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल, ठीक है, वो परेशानी में है, एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन, और वो दर्द से भरे हुए हैं, दुख से भरे हुए, उनकी जिंदगी में दुख है ही, हर एक की जिंदगी में है. वो अपने अपने डिसाइड करते हैं कि आप दुख को कैसे लेते हो. कोई कहता है मेरे पास साइकिल नहीं है तो उसके लिए ये दुख है, कोई कहता है साइकिल तो है पर चलाने के लिए पैर नहीं है तो उसका दुख अलग है. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हर एक का दुख अलग है, हर एक की सिचुएशन अलग है. डजंट मीन कि किसी की लाइफ में दुख नहीं है. ये बहुत दूसरे की थाली में हमेशा लड्डू बड़ा ही दिखता है, तो उसका लड्डू बड़ा है मेरा छोटा है, ऐसा होता नहीं. ठीक है, आप अगर देखो तो उसकी लाइफ में भी दुख है पर वो उसके हिसाब से उसको हैंडल कर रहा है. ठीक है, किसी के पास अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छे पहनने के लिए नहीं है तो उसके लिए ही दुख है. लेकिन किसी को ऐसा लगता है जाना या कपड़े में क्या रखा है, अच्छी किताबें होनी चाहिए, तो उसके लिए ये दुख है कि मेरे पास किताबें नहीं. ठीक है, तो हर एक का दुख देखने का, समझने का, सहन करने का नजरिया अलग होता है, और यही हमारी इमॉर्टल लोगों की जिंदगी दुख से भरी होती है. फॉर देयर is not many means by which those that have been born can avoid dying. बहुत सारे रास्ते नहीं है हमारे पास जिससे हम मौत को अवॉइड कर सके. हमारा साइंस आज कितनी तरक्की कर चुका है, बहुत साइंटिस्ट यस बहुत तरक्की कर चुके, लेकिन फिर भी डेथ को बीट नहीं कर पाए. कर पाए? इतनी वैक्सीनेशन, इतने मेडिसिन, इतनी दवाइयां, इतने काढ़े, आयुर्वेदिक उपचार सब है हमारे पास, पढ़ रहे हैं रोज. सबसे जटिल से जटिल शायद हमारा दिमाग है, नर्वस सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है. देखोगे छोटे छोटे तार है उसमें, शायद बॉडी में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कोई पार्ट है हैंडल करना तो वो नर्वस है, नर्वस सिस्टम को हैंडल करना. लेकिन वही बंद हो जाए, इतना पढ़ रहे हैं हम, इतने सारे डॉक्टर बन रहे हैं, इतने 100 out of 100 मार्क्स लाते, नहीं समझ पाते बनाने वाले ने क्या बनाया. कंप्यूटर सब मानते हैं बहुत अच्छा है, बेस्ट है, आजकल उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते. मोबाइल है, कितनी देर के लिए कंटिन्यू रखते हैं? तो क्या कह रहे थे, हाँ, तो कोई भी हमारे पास रास्ता नहीं है जिससे हम डेथ को अवॉइड कर सके. पैसे कितने खर्च कर लो, मेडिसिन अलग अलग ले आओ, पर डेथ को अवॉइड नहीं कर पाओ. आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, ओल्ड एज के बाद डेथ है ही, और ये जितना जल्दी मान लो सच्चाई को उतना अच्छा है. ऑफ सच अ नेचर ऑफ लिविंग बींग, और ये हमारा नेचर है लिविंग बींग का, नेचर यानी किस्मत है, ये लिविंग बींग की किस्मत है कि हमें जो पैदा हुए उन्हें मरना है. एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है. सो mortals when born आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ. आपको एक बात बताऊं, ट्री की यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है वो समझाना चाहती हूँ. ट्री है, उस पर फ्रूट्स लग रहे, ठीक है, अब जब वो फ्रूट छोटा है तो वो टपक के गिरेगा नहीं, पर जब वो फ्रूट पक जाएगा तो उसकी डाली सूखने लगी और वो फ्रूट गिर जाएगा. यानी जितना अच्छा पक रहा है फ्रूट, जो अच्छे से पक गया है, उसको ज्यादा डेंजर है कि वो कभी भी गिर जाए. उसी तरह आदमी जितना पुराना होता जा रहा है वो डेथ के नजदीक जा रहा है, वो कभी भी मर जाए. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ट्री का एग्जाम्पल लेकर यहाँ पे कंपैरिजन किया है कि जैसे ही एक पका हुआ फ्रूट गिरने के नजदीक होता है, उसी तरह से एक बूढ़ा आदमी मरने के नजदीक होता है. अगर आप पैदा हुए तो समझ लेना मरना तो है ही एक दिन, चाहे जल्दी चाहे लेट. ऑल एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बिगिनिंग ब्रोकन, कुम्हार है, घड़े बनाता है अजीब अजीब से मिट्टी से,
लेकिन इनका अंत क्या होता है, एक दिन टूटेगा तभी अंत होगा, टूटना तो है ही है मिट्टी के बर्तन को। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल, और मॉर्टल की लाइफ भी ऐसी ही है। सो यानी ऐसी, मॉर्टल की लाइफ भी ऐसी ही है। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, चाहे वो यंग हो एडल्ट हो, चाहे वो फूल मूर्ख हो, चाहे वो वाइज यानी बहुत पढ़ा लिखा आदमी हो, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ये सब मरने वाले, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, ये सबके पास मौत आएगी। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, जो डेथ से ओवरकम हो जाते हैं वो लाइफ से, वो उनकी लाइफ कुछ अलग ही हो जाती है। जो सोच लेते हैं कि एक दिन तो मरना ही है, उनका रवैया देखो कुछ अलग ही होगा। स्टीव जॉब्स की बात जानते हो, नाम सुना है स्टीव जॉब्स, उनको पैनक्रियास का कैंसर हुआ। पैनक्रियास का कैंसर ऐसा है कि जिसकी दवाई आज तक नहीं हुई, नहीं ढूंढी नहीं गई, सोच ही लिया मरना है, डॉक्टर ने भी बोल दिया 3-4 महीने सब बाइंड अप करो, बिजनेस जो भी आपका बोल दिया डॉक्टर ने, सब जिसको जो देना है जो भी आपको अरेंजमेंट करके जाना है करो। उस दिन से उनका रवैया ही बदल गया, आज मर गया तो ला ये इंपॉर्टेंट काम करो फुल एनर्जी, कल मर गया तो ला ये काम करो, परसों मर गया तो ला ये बिजनेस सेटअप करके चला जाओ। तो वो जो रवैया था अपने आप को, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि मैं आईने के सामने रोज खड़ा होता था और अपने आप से एक ही सवाल पूछता था, क्या ऐसा इंपॉर्टेंट काम है जो मुझे आज करना है, अगर आज शाम को मैं मर जाऊंगा तो कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट काम है जो मुझे आज के दिन में खत्म करना है। और ये चीज उन्हें एनर्जी दे, और आज देखो वो काम है ना। तो ये जो ये डेथ की रियलिटी को समझ जाते हैं, उनका रवैया ही, उनकी लाइफ ही कुछ और हो जाती है। और फादर कैन नॉट सेव हिज सन, फादर हो तो भी अपने बेटे को बचा नहीं पाएगा, नॉर की किन्समैन, किन्समैन यानी रिलेटिव, डियर रिलेशंस, कोई भी रिलेटिव अपने रिलेटिव को नहीं बचा पाएगा, ठीक है। मां व्हाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लैमेंटिंग डीपली, लैमेंटिंग यानी रोना, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ लाइक एन ऑक्स That is led to a slaughter. रिश्तेदार lamenting करते रह जाएंगे, रोते रह जाएंगे, दुख जाहिर करते हुए रह जाएंगे, और एक के बाद एक mortals चले जाते रहेंगे। बिल्कुल ऐसी तरह जिसी तरह हम वो बकरे को हलाल करने के लिए वन बाय वन ले जाते, ऐसा लग रहा है कि यमराज खड़ा है, तुम लोग रोते रहो, मैं तो वन बाय वन, ठीक है। तो इसी तरह से mortals जाते रहते हैं slaughter के पास, स्लॉटर यानी बलि का, बलि बलि के लिए, ठीक है, बलि जो करते हैं हम उसकी बलि चढ़ाते हैं वो। सो द वर्ल्ड इज अफेक्टेड विद डेथ एंड डीके, ये पूरी दुनिया डेथ और डीके, डीके यानी सड़ जाना, ठीक है, यानी बीमार हो जाना, बूढ़े हो जाना, ये सब चीज है। तो पूरी दुनिया डेथ और डीके से भरी हुई है। डेथ फॉर अ वाइज टू गो डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसीलिए ऐसे समय में जो वाइज है, जो होशियार है, जो चतुर है, जिन्हें ये ज्ञान प्राप्ति हुई है, जैसे कि बुद्ध भगवान, अपना बेटा मर गया, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, दुख होता है, दुख नहीं होता है, होता है, बट वो वाइज है, वो समझते हैं कि दुनिया की साइकिल है, ये होना था, आज नहीं तो कल होना, सो इट्स ओके। तो वो फिर वो विलाप करना, दुख करना, रोते रहना और रोने से अपने आप को बीमार कर देना, ये सारी चीजें उनकी लाइफ में नहीं आती, वो आगे बढ़ना सीखते। आपके फादर की डेथ हो, हाँ कोई बात नहीं, चलो अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे करनी है, चलो आगे बढ़ो। सो ये रवैया आ जाता है उनकी लाइफ में वाइज मैन, जो ये डेथ की रियलिटी को समझ जाते हैं। लास्ट पैराग्राफ, नॉट फ्रॉम द वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, वीपिंग करके रोकर, ग्रीविंग यानी दुख जाहिर करके किसी को पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। किसी की डेथ हो गई घर में,
रोते रहो रोते रहो रोते रहो रोते रहो, पीस ऑफ माइंड मिलेगा नहीं। मैं छोटे से छोटे बच्चों के पास जाती हूँ, छोटे बच्चे होते पेंसिल टूट गई रोने लगते, देखा मेरी खुद की छोटी घर पे लड़की खिलौना टूट जाता है। उस दिन वो हमारे पास पेट डॉग भी है तो उसने उसका बॉल कुछ ऐसा किया होगा तो उसके नाखून लग गया, फूट गया उसका बॉल तो रोने लग। मैं बोला तू रोएगी तो बॉल वापस आएगा, तो रो पूरा दिन रो, ये बॉल वापस आ जाना चाहिए। होता है क्या फायदा रोने? ये चीज समझ ली हम, अगर हम रोएंगे 10 दिन 15 दिन 14 दिन जो भी 13वीं तक रोते रहो इंसान वापस आएगा। रो पेट पूरा दिन रो, वो आना चाहिए वापस, नहीं होने वाला ये, ठीक है? तो हमें ये समझना जरूरी है कि हर चीज का सॉल्यूशन रोना नहीं है, दुख जाहिर करना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है लाइफ में। ऑन कॉन्ट्रारी कॉन्ट्रास्ट है बिल्कुल, दुख जाहिर नहीं करना है, ग्रीफ नहीं करना है। His pain will be greater and his body will suffer. अगर आप जितना रोओगे जितना दुख जाहिर करोगे वो दुख और आप पे हावी होगा। अब दिन पर दिन रोओगे सोचोगे हाय यार मैं कैसे जीऊंगी, मैं ये काम कैसे करूंगी, मैं ये घर कैसे चलाऊंगी, पैसे कहां से आएंगे, तो वो दुख और ही और आप पे हावी होता जाएगा। आप उठो बाहर निकलो, 5 रुपए कमा, अरे यार आज 5 कमाए ना कल 10 कमा लूंगी घर चल जाएगा मेरा, ये आएगा आपके एटीट्यूड, ठीक है? तो दुख जाहिर करोगे तो आप अपने ही आपको और ज्यादा सफरिंग दोगे। सफरिंग से बाहर निकलने के लिए रोना वीप करना जरूरी नहीं है। He will make himself sick and pale. आप क्या हो जाओगे? सिक हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। Yet the dead are not saved by this lamentation. ये रोने से, ये दुख जाहिर करने से, lamentation विलाप करने से, ठीक है? तो ये सब करने से डेथ हार नहीं मानने वाली है। जैसे कि मैंने कहा रो पूरा दिन अगर वो इंसान वापस जिंदा हो जाता है, पर नहीं होने वाला ये। He who seek peace should draw out the arrow of lamentation. जिसको सही में मेंटल पीस चाहिए, ये लेमेंटेशन का, ये दुख का एरो अपने आप में से शूट कर देना है, निकाल देना है, ठीक है? तो ये दुख को अपने आप से निकालो, मेंटल पीस मिलेगी। एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ, अपने आप में से सिर्फ दुख का नहीं कंप्लेन का और ग्रीफ का भी जो एरो है हमें शूट कर देना है, यानी बाहर निकाल देना है अपने मनों से अपने दिलों से। ही हु हैज ड्रॉन आउट द एरो हैज बिकम कंपोज्ड, कंपोज्ड यानी शांत, विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। वो इंसान जिसने ये 3 एरो अपने आप में से निकाल दिए वो शांत हो जाएगा, उसको पीस ऑफ माइंड मिलेगी। ही हु हैज ओवरकम ऑल सोरो will become free from sorrow and will be blessed. वो इंसान फिर wise बन जाएगा, उसको दुख ज्यादा मैटर नहीं करेगा, ठीक है? और फिर उसके लिए सारी सफरिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो वो हैप्पी रहेगा हर सिचुएशन में, हर सिचुएशन में जो भी डिफिकल्टीज आ जाए, अगर वो ये समझेगी अरे यार मौत आनी है ये तो छोटी सी डिफिकल्टी, तो फिर वो जिंदगी जीने का उसका रवैया बदल जाता है, वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होता, ठीक है? यूं सोचेगा साइकिल वाला कि चलो मेरे पास साइकिल तो है, किसी के पास तो साइकिल चलाने के लिए पैर ही नहीं होते। अगर ये थॉट उसके अंदर आ जाएगा तो उसका दुख कम हो जाएगा, वो गाड़ी को ना देखे, वो उसको देखे जो उससे नीचे, यूं सोचे कि मेरे से नीचे वाले से तो मैं लकी हूं, मैं अच्छा हूं, ठीक है? भले ऊपर वाले की तरफ जाने का रास्ता ऊपर ही रखना है, पर सोचना अपने आप को कंटेंट करने के लिए ये सोचना है कि नहीं मैं सुखी हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। तो यही मोटो था ये चैप्टर का रियलाइज कराने के लिए आप लोगों को कि जिंदगी की एक असली हकीकत क्या होती है, ठीक है? इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह आप लोग कोशिश करना, अगर कोई डिफिकल्टी हो तो पूछ लें, ठीक है?